नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से ही प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चीन के शियान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। रक्षा विभाग में एक पद एक पेंशन योजना जल्दी। दक्षिण अंडमान जिला श्री मरेम्बी मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया। दक्षिण अंडमान के 11 शर्मा दो के प्रधान राजेश गोपिनपाल कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मिडिल स्टेट तथा बाराटांग के बीच संचालित वाहन फेरी एमवी लपाती के खराब हो जाने से उसे सेवा से हटा दिया गया है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चीन के शियान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की। विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया कि लगभग 1.5 घंटे चली बातचीत में दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और व्यापार असंतुलन सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया। दोनों देशों ने आपसी विश्वास मजबूत करने, सीमा पर शांति, व्यापार असंतुलन, निवेश और आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। श्री जयशंकर ने बताया कि बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। शाम को श्री मोदी का साउथ सिटी हॉल में परंपरागत तांग राजवंश शैली में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने श्री मोदी के सम्मान में भोज दिया। श्री मोदी ने उन्हें गुजरात में वादनगर के पास देवनी मोरी में तीसरी या चौथी शताब्दी स्तूप से निकाली गई बुद्ध की पत्थर की प्रतिमा और बौद्ध स्मृति चिन्हों के पत्थर के बक्से की प्रतिकृति भेंट की।